रुक जाओ प्रज्ञा। पहले आने दो, कहाँ तक आने वाले हो? मार्क तक आएंगे ना तब। ये मंगल कट हो गया। अभी ये मिल गया मुझे। कुछ नहीं, वो सब मतलब सारे आलिया और मैं इसको मिलके इनको धक्के मार के घर से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको पता चल चुका है कि ये इसने हमसे सच छुपाया, तो ये अभी काफी प्रूफ है हमारे पास इसको धक्के मार के। अब दादी भी हमें रोक नहीं सकती है, तो यस हम लोग अभी इसे धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं। और फिर मैं इसे रोकती हूँ कि मैं मंगलसूत्र भी निकालूं, क्योंकि ये मंगलसूत्र पे तुम्हारा कोई हक नहीं है, इसमें सिर्फ मेरा हक है। क्या क्या कहना चाहेंगे आपको बाहर निकालने के लिए, इतनी कोशिश की जा रही है? नहीं कोशिश नहीं, इन लोगों ने तो ऑलरेडी मुझे बता दिया था कि जब आलिया पूरब की शादी हो जाएगी तो मुझे जाना पड़ेगा, बट वो शादी नहीं हुई तो, और मेरी वजह से वो शादी नहीं हुई तो मुझे घर से निकाल रहे हैं लोग। तो कहीं मुझे दुख जरूर है कि मुझे निकाल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। लेकिन आपको लगा था कि आपके फैमिली वाले भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, जैसे कि आपके हस्बैंड? मतलब मुझे लगा था कि इतनी जल्दी, मतलब मुझे बता के कम से कम मेरे हस्बैंड मुझे इतना रिस्पेक्ट देंगे कि वो खुद आके बताएंगे कि अब तुम जाओ, क्योंकि क्योंकि रिश्ता दो लोगों का है तो तोड़ने का हक भी उन्हीं दो लोगों का है। बट क्योंकि वो भी इज्जत नहीं दी मुझे, तो इसलिए मुझे हर्ट हो रहा है कि उन्होंने एक बार ये भी जरूरी नहीं समझा कि मेरे सामने आकर मुझसे कहें कि चलो अब ये रिश्ता टूट गया। आपके लिए कितना आसान हो गया कि प्रज्ञा की जो गलती थी उसके ऊपर से आपने? बहुत आसान हो गया। आपको नहीं लग रहा मतलब इसको धक्के मार के बाहर निकालेंगे तो इसके बाद फिर ये घर पे अभी पे सिर्फ मेरा राज होगा, तो अब मैं बहुत खुश हूँ। मतलब वो थोड़ा सा रुकती हुई तभी मैं डर जाती हूँ, लेकिन फिर अब हमारी किस्मत बदल चुकी है, फाइनली शी इज आउट। तो क्या कहना चाहेंगे और क्या घर में आने के लिए क्या कुछ कोशिश करने वाली है आप? नहीं अब जिस घर पे अब हक नहीं है वहाँ वापस आने की कोशिश करूंगी या नहीं मुझे पता नहीं। वापस तो तभी आऊंगी जब पति लेकर आएगा, पति नहीं लेकर आएगा तो किस हक से वापस आऊंगी। लेकिन आपको हमेशा से देखा गया है कि आप बुरी चीजों के लिए हमेशा आवाज उठाती है, तो इस तरह का कुछ देखने मिलेगा? हाँ मुझे जो गलत लगता है उस पर मैं मतलब हमेशा बोलती हूँ। जैसे इन्होंने जब मेरा मंगल सूत्र उतारने की कोशिश की तो मैंने बोला कि आपको उतारने का हक नहीं। मैंने आलिया से भी कहा कि उसे मुझे कुछ बोलने का हक नहीं, क्योंकि उसने अपने फायदे के लिए अपनी भाई का इस्तेमाल किया। तो जो मुझे गलत लगता है वो उसके लिए सवाल करती हूँ, और शायद इसीलिए मुझे अपनी गलती का एहसास है कि मैंने इन लोगों से सच छुपाया, और इसलिए मैं चुपचाप घर से जा रही हूँ। थैंक यू।